हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुक्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी क्षितिज बुक के चैप्टर नंबर 5 को लेकर। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, ये है उत्साह और अट नहीं रही है। तो ये रचित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो सबसे पहले बच्चों, हम आपको ये बता दें, इस चैप्टर में हम दो कविताएं पढ़ेंगे। पहली होगी उत्साह और दूसरी होगी अट नहीं रही है। तो दोनों कविताओं का रचयिता जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सबसे पहले हम इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो कुछ ऐसी बात है, इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में। सन 1899 में इनका जन्म हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये निवासी उत्तर प्रदेश के थे, परंतु इनका जन्म हुआ था बंगाल में। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। मतलब इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और इंग्लिश का ज्ञान खुद से ही प्राप्त किया था। मतलब खुद से ही पढ़कर इन्होंने इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज प्राप्त की थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला था। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमित्ता और नयपत्य। तो बच्चों, हम आपके सामने जितनी भी रचनाएं लेकर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। तो ये जितनी भी रचनाएं होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपके एग्ज़ाम में ये रचनाएं MCQ के फॉर्मेट में आ सकती हैं, इसलिए आप हर लेखक या कवि की रचनाएं अपने नोटबुक में अलग से नोट करके रखते चलिएगा, है ना। तो बच्चों, जो आज की हमारी पहली कविता है उत्साह, वो लिखी गई है बादलों के ऊपर, है ना। बादलों के ऊपर लेखक ने क्या लिखा है, बादलों के ऊपर निराला जी ने क्या लिखा है, वो हम इन कविता के माध्यम से समझेंगे। तो जो हमारी कविता की लाइनें हैं, हम समझते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ। तो वो कवि जो है वो बादलों को आवाज़ लगा रहे हैं कि बादल तुम बहुत तेज़ आवाज़ कर करके बरस जाओ। ठीक है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इन कविता में जो उत्साह हमारी है ये बादलों के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम गरजना करते हुए आओ, तुम घुमड़ घुमड़ कर तेज आवाज करते हुए पूरे आकाश को घेरते हुए छा जाओ, है ना। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत तेज़ आवाज़ करते आओ और इतनी तेज आवाज़ करते हो आओ कि पूरे आकाश में घेर जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों और पालों के समान लगते हो। मतलब होता है ना कि बच्चे जब बारिश आने वाली होती है तो बादलों का रंग एकदम काला सा हो जाता है, तो बच्चे कई तरह की कल्पनाएं बनाने लगते हैं। किसी को वहाँ पे स्कूटर दिखता है, किसी को पक्षी दिखते हैं, किसी को बहुत सी अनेक तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखने लगती है, कोई नाव समझता है। मतलब बादलों में क्या करते हैं बच्चे, अपनी कल्पनाओं को ढूँढने लगते हैं, है ना। तो नव जीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छुपी हुई है। तो बादल से वे कह रहे हैं कवि कि तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो। मतलब वे फसलों को नया जीवन देते हैं, नदियों को नया जीवन देते हैं, तालाबों को नया जीवन देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं बादलों से कि तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो, है ना। तुम्हारे हृदय में बिजली के जैसे क्या है, क्रांति है, और वज्र के समान तुम्हारी क्या है, कठोर गर्जना है। तुम अपनी बिजली की चमक से, भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि बादल से गरजने का आह्वान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी चमक से, अपनी गरज से सारे मनुष्यों के मन में क्या कर दो, एक नई चेतना का संचार कर दो। होता क्या है बच्चों, बादल गरजते हैं तो किसानों के मन में एक बहुत सी उम्मीद जाग जाती है, है ना। तो कवि क्या कह रहे हैं, बादलों से गरजने की आह्वान कर रहे हैं, मतलब बादलों से गरजने की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे की लाइन है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजू। तो इन लाइनों में कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, गर्मी से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं। तो संसार के पूरे मनुष्य समुदाय में क्या कर दो, एक बदलाव ला लेकर आ जाओ। तो वे बादल से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनुष्य जो हैं धरती पर, वे गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अनमने हो गए हैं, तो तुम क्या करो, पूरे मनुष्य समुदाय में एक बदलाव की लहर दौड़ा दो। अपनी परिस्थितियाँ, अपनी व्याकुलता का वातावरण बना हुआ है जो बारिश के आने से पूरा बदल जाएगा। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। मतलब कवि कहते हैं कि साहित्य के द्वारा ही समाज में नई चेतना जागृत होती है, नई नई चीजें लोगों को जानने की उम्मीद मिलती है, ऐसा लेखक का भरोसा है। हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई अनंत नहीं है। हे बादल, जो हमारी धरती है वो गर्मी से बहुत ज्यादा तप रही है, तुम इसे बरसाकर, अपना ठंडा जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जन के साथ साथ आकाश मंडल में छा जाओ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों की मन में जो गलत भावना है उनको क्या कर दे, उनके मतभेदों को समाप्त कर दे। इसी प्रकार हे बादल, तुम भी बरसो और पूरे आकाश में छा जाओ। अब जो हमारी दूसरी पंक्ति है या दूसरी कविता है, अट नहीं रही है, ये बेस्ड है फागुन के सीज़न पे। मतलब होली के टाइम जो मौसम रहता है उसमें नए नए फूल खिलने लगते हैं, उसे कहते हैं फागुन का महीना। तो ये जो कहानी, ये जो कविता है, ये फागुन के मौसम पे बेस्ड है। सॉरी, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो कवि यहाँ पर फागुन के महीने की कांति कहीं भी समा नहीं रही, मतलब फागुन के मौसम का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि फागुन में जो हरियाली फैली हुई है, जो चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, वो मेरे आँखों से हट नहीं रही है। इतनी ज़्यादा मेरी आँखों में समा गई है कि मेरी आँखों से निकल ही नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य अनुपम और मनोहारी हो गया है। मतलब फागुन के मौसम में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे, जिससे क्या हुआ है, प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अनुपम हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रही है। मतलब इतना ज़्यादा सुंदर हो गया है कि मैं उसे अच्छे से देख भी नहीं पा रहा हूँ। सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं, मतलब चारों तरफ सुंदर ही सुंदर नज़ारे मुझे दिखाई ही दे रहे हैं। वे सभी एक साथ मन में नहीं समाए जाते, मतलब सभी जगह इतने सुंदर दृश्य हैं कि मेरे मन में समा ही नहीं रहे हैं। कोई एक दृश्य मेरे मन में फिट ही नहीं हो रहा है। मुझे ये दृश्य भी पसंद आ रहा है, मुझे वो दृश्य भी पसंद आ रहा है। अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। मतलब चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, तो जहाँ भी मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे हर तरफ से सुगंध ही आ रही है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि फागुन ने सुगंध को उड़ने के लिए आकाश में क्या कर दिए हैं, पंख लगा दिए हैं। तो जो सुगंध है वो क्या है, एक पक्षी की तरह सारी दिशाओं में फैल गई है और पूरे आकाश में उड़ रही है। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। तो फागुन के महीने में जो प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, तो जिससे क्या है, सभी प्राणी बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगते हैं।
तितलियाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, कोयल अपना गीत गाती है, तोते जगह इधर से उधर उड़ते हैं, तो सभी पूरा वातावरण बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैला हुआ है कि यदि मैं उससे अपनी आंखों को हटाना भी चाहता हूँ तो मैं इतना विवश हूँ कि वो जो सुंदरता है मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रही है। मैं चाहकर भी उसे अपनी आंखों के सामने से नहीं हटा पा रहा हूँ। तो इन लाइनों में कवि ने फागुन के महीने में जो फूल खिले हैं, जो पत्तियाँ खिली हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आगे की लाइन है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उरमे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की डालियाँ हरे और किसलई लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित है। मतलब हर जगह जितने भी पेड़ हैं वो पूरे हरे हो चुके हैं, गेंदे के फूल खिले हैं, गुलाब के फूल खिले हैं, पलाश के फूल खिले हैं, तो इससे पूरी प्रकृति रंग बिरंगी लाल हरी नजर आ रही है। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुगंधित हो रही है, पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, खुशबूदार पौधों से एकदम भरे हुए लग रहे हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा ही नहीं रही है। और मतलब दृश्य इतना ज्यादा सुंदर है कि मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा है, मतलब वो अट ही नहीं रही है। तो बच्चों इन लाइन में कवि ने फागुन के मौसम का बहुत ही ज़्यादा सुंदर वर्णन किया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।